अउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैं हूँ लियाकत अली और आप देख रहे हैं लियाकत अली टीवी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप जो वीडियो बनाई जा रही है इसका मकसद है गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है उसमें जॉब्स आई हैं तो उसका कोई बैंक चलान फीस नहीं है, जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है वो सारा प्रोसीजर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को देखते रहिए और इस वैकेंसी पे ज़रूर बर ज़रूर अप्लाई करें। ये देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंटेरियर अफेयर्स में जॉब्स आई हैं 30 अगस्त को आई हैं। अब इसको देखते हैं कि हैं कितनी, इसकी जॉब्स लोकेशन पाकिस्तान है। ये 30 अगस्त को पब्लिशर हुई है और लास्ट डेट टू अप्लाई 13 सितंबर 2020 है। एक्सप्रेस के अंदर आई है। इसकी जो है प्राइमरी टू इंटर जो है इसकी क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट 18 से 25 साल है। दोस्तों कैसे अप्लाई करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप लोगों ने इस पर अप्लाई कर लेना है। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे वो मुख्तलिफ कैटेगरी की हैं, 1 से लेकर 4 तक और 11 से लेकर 14 स्केल तक। फ़र्ज़ करते हैं हम इसमें अप्लाई करेंगे तो इसको आप लोगों ने क्लिक करना है। आगे फिर आपने क्लिक हेयर करना है। इसके बाद ये इंटरफेस आ जाएगा, इसको आप लोगों ने खोल लेना है। देखें सबसे पहले तो वो कहते हैं कि आपने जिस पे अप्लाई करना है वो आपने वो डाटा देना। जैसे अपर डिवीज़न क्लर्क है, अपर डिवीज़न क्लर्क पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद चूज़ फाइल, आपने जो सीवी बनाई हुई है अपने रखी हुई है वो आप लोगों ने सीवी लगा देनी है। फ़र्ज़ करें मैं अप्लाई करने तरीका आप लोगों को बताता हूँ, तो फ़र्ज़ करें मैं ये लगा देता हूँ। उसके बाद BPS जो है वो आपने लिखना, BPS वो 11 है। तो इसके बाद आपने अपना नाम लिखना है कैपिटल और रूफ के अंदर। फ़र्ज़ करें कि मैं लिख देता हूँ ये वाला। उसके बाद फादर नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। मेरी चूँकि डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है इसलिए मैं अप्लाई नहीं कर पाऊँगा, तो डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद CNSE लिखना है आपने विद डैश, डैश लगा कर आप लोगों ने CNSE यहाँ पे लिखना है। ये लिख देते हैं। और उसके बाद डोमिसल आपका जो है वो लिखना है यहाँ पे, काड़ा एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों ने देना है। फिर आगे आ जाता है क्वालिफिकेशन, जो जो आपने किया हुआ वो लिखनी है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने इस सारे कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आप लोगों ने जस्ट सबमिट कर देना। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो दोस्तों आपकी जो एप्लीकेशन है वो चली जाएगी। अब इसमें वो कह रहे हैं कि इंटर जॉब टाइटल आप लोगों ने नहीं दिया था, CNSE नंबर नहीं दिया हुआ था। चलें मैं यहाँ पे फिर दे देता हूँ। चलें जी, हमने किया है अपर डिवीज़न क्लर्क पे, तो सबमिट कर देते हैं। वो कहते हैं कि आप लोग जो है अपनी जो फाइल है इसको एडिट कर सकते हैं। ये दोस्तों इस तरह आप लोगों ने अप्लाई करना, कोई फ़ीस नहीं है। जस्ट आप लोगों को एक मैसेज आएगा, वो मैसेज जो आएगा आप लोगों ने वहाँ पे जाके उसका प्रिंट निकलवा लेना। प्रिंट निकालने के बाद वो आप लोगों की रोल नंबर स्लिप होगी, आप लोगों ने जाकर टेस्ट देना। टेस्ट देने के बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू देने के बाद आप लोग अगर कामयाब हो पाते हैं तो आपको गवर्नमेंट की जॉब मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो मेरे दोस्त जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं और इस तरह की वो डेली की अपडेट जो है वो हासिल करते रहें। मेहरबानी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।